Welcome students. Today we are going to study a very famous poem of poet Robert Frost, that is Dust of Snow. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम में पोएट ने एक नए अनुभव को बताया है जहां पर वो खुद को डिप्रेशन से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। इस पोयम की जो बिगनिंग लाइन है और जो टाइटल है वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट से हमारा मतलब यहाँ पर छोटे कणों से है और स्नो से मतलब बर्फ से है। तो बच्चों यहाँ पे इस पोयम में पोएट ने ये बताना चाहा है कि विंटर के मौसम में, जहाँ पे विंटर को इसने दुख का सिंबल माना है, विंटर को इसने उदासी का सिंबल माना है, वहाँ पर पोएट ने अपने मूड को कैसे चेंज किया। पोएट जो है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। वो थोड़ा अपसेट था, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था। सडनली उसने देखा कि एक जो क्रो था वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और उसके स्नो पार्टिकल्स को हटा रहा था। पोएट का मूड जो था वो थोड़ा चेंज हो गया। इस हेमलॉक ट्री ने, जो कि एक पॉइजनस ट्री था, उसके दिमाग में, उसके मन में एक नई पॉजिटिविटी को भेजा कि जिस तरह एक क्रो अपने लिए उस बर्फ को कुरच के रास्ता बना रहा था, नए दिन को बना रहा था, पोएट समझ गया कि वो अपने दिन को, अपने मूड को इसी तरह से बदल सकता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग सूदेड एंड रिफ्रेश। उस हेमलॉक ट्री को देखकर वो थोड़े सूदिंग फीलिंग उसे आने लगी और वो रिफ्रेश हो गया। इस सिंपल मोमेंट ने उसको ये प्रूव कर दिया कि उसका दिन किस तरह से अच्छा हो सकता है। बजाय रिग्रेट में और अफसोस में दिन बिताने के, उसे चाहिए कि वो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढे। पोयम डिस्क्राइब करती है एक बहुत सिंपल सी हैपनिंग और बहुत सिंपल वर्ड्स में उसने इसको एक्सप्रेस किया है। ये पोयम बताती है कि समटाइम्स एक स्मॉल इवेंट भी हमारी लाइफ में एक लार्ज सिग्निफिकेंस ले लेता है। पोएट बिगनिंग में हमें बहुत सैड दिखता है, बहुत उदास दिखता है, लेकिन वो क्रो जो कि उस बर्फ को कुरच के नीचे गिरा रहा था, अचानक ही उसने उसका मूड बदल लिया। इस पोयम के लास्ट में पोएट अपने आप को बहुत रिलैक्स और थैंकफुल फील करने लगा। नेचर के लिए उसके मन में एक नई फीलिंग आ गई, जिससे कि जो पॉजिटिविटी उसे मिली, उससे उसका दिन जो था वो वेस्ट होने से बच गया। बच्चों पोयम बहुत ही सिंपल है। बहुत सिंपल लाइंस में पोएट ने ये बताना चाहा है कि लाइफ में चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हो, अगर हमारा अप्रोच पॉजिटिव होता है तो हम उस नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेते हैं। ये पोयम बहुत सूदिंग है और साथ ही इन छोटी सी लाइंस में पोएट ने जनरेशन को एक नया मैसेज दिया है कि कितनी ही नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी अगर आपने अपने मन में रखी हुई है तो आपके लिए रास्ते बनते जाते हैं। एग्ज़ाम्स में अक्सर हम देखते हैं कि इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस में से कुछ एक क्वेश्चन इस तरह से कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो से क्या बताना चाहा है, इसका मॉरल मैसेज क्या है। तो हम कह सकते हैं इस पोएम का मॉरल मैसेज है नेगेटिविटी की तरफ से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना और हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी को ढूंढना। तो बच्चों आई होप आप इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करेंगे। थैंक यू।